जन छूने की बात कही। नौ भक्ति में से एक भक्ति है। युद्ध आरंभ होने से पहले पांडव बड़ों के पांव छूते हैं। ये दुनिया में पहली बार ऐसा देखा गया था कि युद्ध का शंख बजने वाला था और धर्मराज पितामह के चरण छूने के लिए आगे पहुंचे थे। इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। पाद सेवनम, चरण छूने से आशीर्वाद मिलता है। बड़ा भाई है, दिल खोल करके चरण छूइए, छोटा है दुलार कीजिए। आप माने या मानना ना माने तो आपके मतलब की बात है, आप जाने। यदि संस्कारों में पले हुए बच्चे हैं, बेटा धोखा दे देगा लेकिन भाई धोखा नहीं देगा। भाई की तो बात ही नहीं, भाई हो जाए। सुत बितनार भवन परिवारा, हो ही जाए जग बार ही बारा, अस बिचारी जे जाग हूं ताता, मिले ही न जगत सौ दरवराता। भाई नहीं मिलेगा। और भाई बहुत बड़ी ताकत है। कुंभकर्ण की मौत पर रावण टूटा था। जब तक कुंभकर्ण की मौत नहीं हुई तब तक लफने को तैयार नहीं था रावण। कुंभकर्ण की वाजू रावण के सामने जाकर के गिरी थी। कहा, मंदोदरी तेरी बात मान लेता ठीक रहता, आज मैं टूट गया, आज मेरी भुजाएं छिन्न भिन्न हो गई। मेघनाद की मौत पर रावण को उतना दुख नहीं है, रावण को जितना दुख कुंभकर्ण की मृत्यु पर था उसको जितना दुख। जिस समय रावण की मृत्यु हुई थी, सुन लो, यहां सब कुनबे वाले जन बैठे हैं, भाई भाई लोग बैठे होंगे। रावण जिस समय नीचे गिरा, प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण को कहा था, लखन एक बार दशानन को मिलकर के आओ, ये बहुत बड़ा पंडित रहा है, कुछ अच्छा बोलेगा। लक्ष्मण गए, उसके सिर पर खड़े हो गए और पूछा, दशानन कैसा रहा परिणाम? रावण ने कहा, विजय मेरी हुई है। कहा, तेरी? हाँ, कैसे? मेरे होते हुए राम लंका नहीं प्रवेश कर पाए और राम के होते हुए मैं उनके धाम जा रहा हूं, रोक सके तो मुझे रोक के बता दें, इसलिए विजय मेरी है। रावण बोला, सूखा सा मुंह लेके आए लक्ष्मण? राम जी ने पूछा, लखन क्या हुआ? लखन ने कहा, रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई, ऐसे बोलता है। राम ने कहा, तुम सिर पर तो नहीं खड़े हो गए? कहा, हूं तो। कहा, पांवों में उसके में खड़े होते? अरे ब्राह्मण था, पांव में खड़े होते, तुझे पता नहीं ब्राह्मण के सिर पर नहीं खड़ा हुआ जाता, राम के अंदर मर्यादा है। लक्ष्मण को द्वारा भेजा। अब के बार लखनलाल रावण के पांवों की तरफ खड़े हैं। कहा, दशानन, रावण ने आंखें खोली, राम के भेजे हुए आयो तो उस प्रभु को मेरा प्रणाम कहना, पुलस्त का नाती उनके चरणों में प्रणाम करता है, मेरा उन्हें प्रणाम कहना। अपराध मैंने बहुत किए हैं लेकिन वो महान है, इसलिए आज उन्होंने मेरा उद्धार कर दिया है। तुम मुझे पूछने को आए थे, विजय किसकी हुई है? तो लक्ष्मण, विजय तो हमेशा सत्य की होती है, अंधकार अपराधों की विजय आज तक कभी भी नहीं हुई। लेकिन इतना ध्यान रखना, ये अकेले राम की ही विजय नहीं, ये राम के सत्य की विजय, राम के संगठन की विजय है, और ये भाई और भाई के प्रेम की विजय है। रावण कहता है, राम के पास में एक शक्ति है, वो भाई की ताकत, इसलिए राम को विजय मिली। यदि मेरे पास भी मेरा भाई विभीषण और कुंभकर्ण होता तो राम मुझे कभी भी नहीं जीत पाते, विभीषण नहीं था मेरे पास।